हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टाइप्स के बारे में लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल टाइप्स के बारे में जानने से पहले चलिए हम दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं जो हमारे आईपी पी ए से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करती हैं और आई पी से रिलेटेड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई से आई ए एन ए स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन को देखती है कि कहाँ पे क्या एड्रेसेज एलोकेट करने हैं किस एरिया को या किस रजिस्ट्री को क्या आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड या एलोकेट करने हैं उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है और इसके अलावा ये हमारी ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर्स को भी एलोकेट करती है ऑटोनोमियस सिस्टम नंबर्स के बारे में वो लोग फेमिलियर होंगे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हैं या सिस्को की जिन्होंने स्टडी की हुई है या फिर मैं आपको जरा बता दूं कि जैसे हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास भी एक डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर्स होते हैं जो उनको एक से दूसरे से अलग पहचान देते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं तो आई उन ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर्स को भी एलोकेट करती है इसके अलावा हमारी आई ए एन जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी ये रूट जोन की मैनेजमेंट करती है डी एन एस से रिलेटेड मतलब डोमेन नेम सिस्टम जो हमारा नेम रेजोल्यूशन के काम आता है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स उसके रूट मैनेजमेंट का टास्क यानी कि जो रूट सर्वर्स की देखरेख भी यही अथॉरिटी करती है और इसके अलावा बाकी सभी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड नंबर्स हैं या उससे रिलेटेड और भी फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो आई ए एन ए है ये एक डिपार्टमेंट है आई सी ए डबल एन का तो आई सी ए डबल एन एग्जिस्टेंस में क्यों आई और ये आई ए एन अंडर क्यों आ गया इसका एक डिपार्टमेंट क्यों बन गया क्योंकि सबसे पहले आई ए एन ही एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो आईपी एड्रेस से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते थे लेकिन इसके आई ए एन के ऊपर भी एक अथॉरिटी थी जो कि थी यूएस गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट ने जैसे जैसे इंटरनेट को ओपन uh, किया मतलब उसको पब्लिक के लिए वो अवेलेबल करवाया तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था आईसीएनएन या आई सी ए डबल एन आई सी एन एन स्टैंड फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स एक ऐसा कॉरपोरेशन जो नेम्स एंड नंबर्स में डील करेगा ना केवल आईपी ड्रेसेज बल्कि नेम रेजोल्यूशन से रिलेटेड भी फंक्शन परफॉर्म करेगा ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है ये 1998 में बनाई गई थी और इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई वो भी 1998 में दी गई थर्टी एट सेप्टेम्बर को और जो इसका मेन टास्क था जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले जो आई एन ए की, की देखरेख करती थी वो यूएस गवर्नमेंट या उसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करता था लेकिन आईसीए डबल एन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसने ओपन किया गया इंटरनेट और इससे रिलेटेड टास्क को यूएस गवर्नमेंट ने इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट कर दिया यानी कि इसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया और जो आई ए एन ए है वो इसके अंडर है जो देखरेख करता है हमारे आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड और ये जो आई एन ए है ये वर्क करता है अंडर आई सी ए डबल एन तो इस वीडियो में हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से रिलेटेड कुछ और जानकारी हासिल की जिसमें से हमने दो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आई ए एन ए और आई सी ए डबल एन के बारे में जानकारी ली तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग